ऑफ की मेला के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्चुअली के मेम्बर हैं, इनसे जानते हैं मलक मुदस्सर रहमान साहब से कि इनके जेन में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का ख्याल जो है वो क्यों कर आया, इसकी क्या जरूरत पेश आ गई और फिर इसकी प्लानिंग ये कब तक करते रहे, इसमें इनका साथ किस किसने दिया। सलामिक मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ऐसा है कि इसकी प्लानिंग में तकरीबन हमें 3-4 माह लगे हैं इसके सारे को प्लान करने में और किस किस तरह ये हमारा प्रोग्राम फाइनल होगा। उसके बाद फिर मैंने हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं स्टैंडिंग कमेटी आर्ट्स एंड कल्चर उसका चेयरमैन हूँ। इससे पहले 2012 में हमने हजारे दे रंग के नाम से एक इसी तरह फेस्टिवल किया था और उसी को आगे उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने जनाब तहसील मेयर तहसील सलीला खान साहब से ये गुजारिश की है सर कि ऐसा करें कि एक हम इवेंट करना चाहते हैं जो कि हम PMA और रिपोर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल के ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैं उनका बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो जहाँ तक इस बात का आपका ये सवाल है किस तरह ख्याल आया, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हजारे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ऐसी चीज़ें हैं जो खवातीन घरों में बनाती हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उन्हें समझ नहीं आती कि हम चीज़ें बना तो लेते हैं लेकिन वो हम कहाँ सेल करें और ये कैसे सेल करें इनके बाहर के तरह। इसलिए हमने जो है तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, हम एज ए ब्रिज उनके लिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं उनकी मार्केट में कितनी वैल्यू है। इस दफ़ा जब मैंने लास्ट टाइम जब मैंने प्रोग्राम किया था तो वो 32 हमारे पास स्टार थे, इस दफ़ा हमने बहुत मुश्किल के से हमने मतलब 60 पे जाके हमने एंड कर दिया। इससे और भी हमारे पास स्टॉल आ रहे थे लेकिन हमने मजीद स्टॉल नहीं लिए, मतलब इतनी अच्छी हमें प्रोग्रेस मिली है। और फिर इसके अलावा हमने ये भी किया कि समीला खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की और उनका मैं बेहद मशहूर हूँ तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए कहा कि ये इवेंट हम साल में 2 दफ़ा किया करेंगे। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलकर ये प्रोग्राम किया करेंगे। मेरे साथ जिन लोगों ने तावन किया उनमें मैडम शाजिया, मैडम रुबीना, फरजाना शाह साहबा, फरजाना रहमान और बाकी जो जितने मेरे मेम्बरान हैं इन सब ने मेरे साथ तावन किया। तयुहान स्वाति साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब साजिद नसीम साहब और जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन सब ने मेरे साथ जी। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैडम शाजी जदून साहबा जी, ये PML की डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट भी नहीं है लेकिन आजकल इन्होंने एक नई फोर्स बनाई है जी, लेडीज आयरन लेडीज फोर्स। तो ये आइडिया भी जानेंगे इनके दिमाग में कैसे आया और क्यों आया, और दूसरा इनसे स्पेशली पूछते हैं कि ये जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और PMA के साथ मिलके, तो इनको इसका आइडिया क्यों आया और क्यों ज़रूरत पेश आई। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम आने रहीम। जो क्वेश्चन आपने किया मैं उसका आंसर देना चाहूँगी कि जो पहला आपने सवाल किया कि मैंने फ़ोर्स क्यों बनाई और ये ख्याल कैसे आया, आपको पता है सबसे ज़्यादा महरूम तबका फ़ीमेल का होता है, पता कि 52% हिस्सा औरतों का है, हर मामले में उन्हें पीछे धकेला जाता है चाहे सियासी मैदान हो चाहे समाजी हो। तो मैंने ये जो आयरन लेडी फोरम बनाया है ये बिला वास्ता जो है इसका कोई वास्ता सियासत के साथ नहीं है, ये सियासत से बहुत दूर है और ये इसमें सारी वो लेडीज़ हैं जो पहले से सोशल वर्क कर चुकी हैं, मैंने उनके अपने साथ मिलाया। कहीं भी ज़िला हरिपुर में ज़िला के बाहर कोई भी मसला होगा मेरी किसी माँ बहन बेटी को तो हम पहुँचेंगे। और दूसरा आपने ये रंग बिरंगी जो आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं ये प्रोग्राम इसलिए जहन में आया कि हमारे बच्चे हमेशा छुट्टियों में इतने डल हो जाते हैं और जब भी मैं अपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ अपने पाकिस्तान के बारे में इस दिन के बारे में तो मुझे इंतहाई मायूसी होती है कि बच्चों को हमारी इकदार के बारे में पता ही नहीं है, हमारी कदरें क्या है वो सब कुछ खो चुके हैं। मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम इनको में रखा था, इसमें बच्चों को हमने मौके दिए हैं, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने माइये टप्पे सुनाए, उन्होंने लुडी मारी और मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे अपने इकदार से इतने भी पीछे नहीं गए लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। ये मौका हमारा एक आजमाइशी था लेकिन खुशी ये है कि इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इतने बच्चे थे कि मुझसे संभालना मुश्किल हो रहा था। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम साल में 2 दफ़ा ये इवेंट करेंगे और पूरे ज़िले के बच्चों को स्कूल से बाहर बच्चों को लाएंगे। और आपने यहाँ पे बच्चों का देखा कि उनमें कितना टैलेंट था लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हमारे ज़िले में इन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। मैं शुक्रिया अदा करूँगी प्लेटफॉर्म देने वालों का, आइए मेरा साथ दें और हमारे बच्चों को अपने इकदार अपनी सकाफत से रोशनास करें। प्रेसिडेंट हैं इनसे जानते हैं कि इनको ये इवेंट कैसा लगा और इस तरह का मेला मजीद होना चाहिए और आज की गैदरिंग देखे
इनको क्या वासी साहब, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरी बात ये कि आपने पूछा इस तरह के इवेंट होने चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनका ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा काफ़ी मेले होने चाहिए, ताकि हम मर्दों के साथ साथ जो हमारी घर की खवातीन हैं उनकी इंटरटेनमेंट के लिए भी प्रोग्राम हो, ताकि वो इंटरटेन हो, बच्चे भी हों। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैडम फरजाना शाह जी, इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत एफर्ट दिखाई, और ये चार लोगों का मेला से जो आपने देखा है इसमें तकरीबन 33% इनसे जानते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको ये मेला से जाके कैसा फील हुआ और क्या समझती हैं कि ये इस इवेंट को करने के बाद वो मैन चैम्बर बनाने में कामयाब हो जाएंगी हरिपुर में। हमारे हरिपुर में बेताशा टैलेंट है, हर घर में हमारी दस्तकार मौजूद है, मगर उसे अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। मैं चाह रही थी कि इस तरह का हमको इवेंट करें जिससे मेरी बहनें, जो मेरी दस्तकार बहनें, वो बाहर निकलें और अपने हुनर को उजागर करें, अपना फन दिखाएं। सर जब यहाँ पे ये सारी औरतें मैं ले आई और आ गए हमारी बच्चियाँ और हमारी माएँ बहनें आ गई, सर आप यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा महीने इस बात से कि उनके काम को सराहा गया, उनके काम को अप्रिशिएट किया गया, हर बंदे को पता चला, बच्चे बच्चों को, मर्द औरत को पता चला कि हरी जानते हैं कि इनको ये मेला सजा के कैसी फीलिंग हो रही है, और स्पेशली आज की ये जो नाइट थी, ये जो इवेंट है, इसके हवाले से और बड़ी खुशी हुई है। और इसका सारा एफर्ट ये जो है फरजाना शाह और भाई और जिनकी बेपनाह अनथक मेहनत का ये सारा, और फरजाना शाह को तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगी जो गरीब घराने के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल के लाई हैं और जो है सकाफती विरसे को वो सामने